जी बिल्कुल, बुरेवाला के शहरियों के लिए यकीनन बुरी खबर है कि बुरेवाला में अब तक जो है 23 जो पॉजिटिव केसेस कोरोना वायरस के आ चुके हैं, जिससे सूरतेहाल मज़ीद गंभीर होती चली जा रही है। चंद रोज़ कबल जो है वो बुरेवाला के निजी बैंक के एक मुलाजम में जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। इसके बाद इस बैंक के देकर मुलाजमीन और इसके फैमिलीज़ के टेस्ट जो हैं वो लिए गए, जिनमें से 11 अफराद के जो हैं वो टेस्ट पॉजिटिव आए। इसके साथ साथ दीगर जो है वो मुकामी अफराद जो हैं उनके टेस्ट लिए गए, जिनमें से अब तक जो है वो 23 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब मौजूद हैं, उनसे इस कोरोना वायरस के हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, यकीनन सूरत हाल जो है वो मज़ीद गंभीर होती जा रही है, केसेस में तदरीज इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंतहाई सीरियस सूरत हाल है। जैसे कि आपने बताया कि केसेस में इजाफा हो रहा है और उसकी मेन वजह लोगों का एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करना है, तो मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, बार बार हाथ धोएं, बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। और हमारी तो ईद बड़ी मतलब उदास गुजरी है, एयर क्रैश की वजह से भी, और उसमें नकवी साहब की डेथ हुई, वो भी बड़ा अफसोसनाक हादसा था। और फिर निजी बैंक के मुलाजिम यकदम इतने ज़्यादा केसेस आ गए, और फिर कुछ करंटीना में एयरपोर्ट से मुलाजिम शिफ्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो सारे नेगेटिव हुए हैं और घरों को चले गए हैं। बहरहाल मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर शाह साहब का कहना है कि लोग जो हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, घरों से कम बाहर निकलें, और अगर निकलना भी है तो मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। जी